यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर चुनाव कराने का आदेश दिया है। इससे पहले जनहित याचिका के बाद कोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोक लगा दी थी। मामले में राज्य सरकार की ओर से हलफनामा भी जारी किया गया था। अब इस फैसले के बाद राज्य में ओबीसी आरक्षित घोषित की गई सभी सीटें सामान्य हो जाएंगी। हालांकि इस आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। ऐसा हुआ तो निकाय चुनाव में देरी होने की संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की ओर से आए फैसले में 93 याचिकाओं को एक साथ पारित किया गया। कोर्ट ने निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराने के भी आदेश दिए। महत्वपूर्ण मामला है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ कर करके पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था उस सपने को तोड़ रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी, तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। तो और यहां तो दिखाई दे गया जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सूचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट का की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण नहीं देती, वो जाति जनगणना का विरोध करती। आज भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराना चाहती, इसलिए जानबूझ के एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानते हुए भी आरक्षण की व्यवस्था में पेज को ढीला छोड़ दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने आज पेज को टाइट करके बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला किया। लेकिन समाजवादी पार्टी बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाने का विरोध करती है। ओबीसी के हक के लिए समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। उच्च न्यायालय ने सरकार की जो नियत है उस पर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो लोगों का निर्धारित आरक्षण है उससे खिलवाड़ क्यों कर रही है। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज अधिनियम में जो आरक्षण व्यवस्था की है निकाय चुनाव में, उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नियत में खो